आज सप्ताह की पहली जूलॉजी की क्लास है मेरे प्यारे प्यारे सपोलो की पढ़ाई करके आए हैं, क्योंकि आज इस चैप्टर की मैम के नाम के जैसे होने वाली है समाप्ति। ठीक है, आज हमारा लास्ट लेक्चर है और हमें बेटा जितने लेक्चर्स मिले थे आज हमारा उतना ही लेक्चर है। लेकिन 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 इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। आप लोगों को याद है ना, मैंने आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हमें करना है। तो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी कि PYQs प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्लस मैच द फॉलोइंग प्लस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्लस assertion reason स्पेशली आप लोगों के लिए बेटा मैंने डिजाइन किया है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन रहेगा पूरे चैप्टर को कवर करके। कल हमने ये वाली चीज अर्जुना में कराई थी, हमने कम से कम 60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। सारे क्वेश्चन 14 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, बाकी हमने पूरा 1.5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था आप में। और मैंने उनसे कहा था कि टाइम मैनेजमेंट, अभी तो वो छोटे हैं ना, तुम थोड़े बड़े वाले सपोले हो गए हो, तो तुम लोग को भी बेटा क्या करना है, आप लोग को क्लास को ना ऐसे अटेम्प्ट, आपको बेटा ऐसे अटेम्प्ट करना है कि आप लोग को क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। मतलब सिर्फ अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको सही तो बेटा हो सकता है आप लोगों के बहुत सारे आंसर सही होंगे, बट आप लोगों को अटेम्प्ट ऐसे करना है कि बहुत कम टाइम में ही आप क्वेश्चन सही मार्क कर पाओ। क्योंकि बायोलॉजी में मैंने आपसे कहा था कि कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हो बेटा, वो ये बताएगा कि आपकी सब्जेक्ट पे होल्ड कितनी है। तो आप लोग बेटा मैं assertion reason कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, कल के क्लास में होगा, कल के क्लास में होगा। तो आप लोग को मैंने वैसे तो पहले से ही बताया हुआ है। और एक बच्चा कह रहा है इट वोंट लास्ट फॉर इवन वन आवर, चलो देखते हैं, लेट्स सी कि तुम लोग कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। देखो पोल, और मैं ये भी बता रही हूँ बेटा, मैं ज्यादा पोल नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास ना ये थोड़ा सा लैग जाता है, तो 10-15 सेकंड से 20 सेकंड लैग जाता है, तो उससे क्या होता है ना बेटा, टाइम वेस्ट होता है, और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें टाइम यूटिलाइज करना है। तो मैं ज्यादा पोल नहीं कराऊंगी, 2-4 मतलब 2024 के जो क्वेश्चन है ना उनमें मैं पोल करा लूंगी PYQ के, बाकी हम सारे क्वेश्चंस बेटा नॉर्मल सॉल्व करेंगे। आपको 10 से 15 से 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम मैं स्टॉपवॉच में अपना रखूंगी और वो आपको दूंगी, ताकि आप बेटा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। लेकिन आप लोग पढ़ाई जरूर करके आना, ठीक है। यस एवरीबॉडी, आपको ये बात समझ में आ गई क्या, आपको ये बात समझ में आ गई कि हम कल बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको पढ़ाई करके आना है, ये बात आप लोगों को आई एम श्योर क्लियर हो गई। मैं चाहती हूँ आपकी क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे। देखो अर्जुनाज में किसी ने भी 90% से अबव तो आंसर नहीं दिया था जब भी मैंने पोल कराया था, जो कि बहुत गंदी बात थी। आई होप आप लोग भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है, और कल बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तैयारी करके आना। और मैं बार बार आपसे कहती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ये बताएगा कि आपका चैप्टर पे कितना ज्यादा होल्ड है। आप जब बेटा लास्ट में आप 2025 में नीट देने वाले होंगे, तो आप सारे चैप्टर्स की इतनी बढ़िया तरीके से बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि इसके बाहर तो और क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। एंड आई प्रॉमिस बेटा उन्हीं क्वेश्चंस को आप घुमा फिरा के देखना, लैंग्वेज चेंज करके उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसको बहुत बहुत सिंसियरली करना, बहुत बहुत सिंसियरली करना। जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो जो मैं अर्जुनाज में जब तक जितना करा चुकी होंगी ना बेटा, जिन जो उनके हर चैप्टर में उनके भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो वो सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस भी ना, जब आपका 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो वो सेट ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आपको विद आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपको भी 11th के प्रैक्टिस करने में हेल्प हो जाए। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? यस एवरीवन।